विरार के अस्पताल में आग लगती है, 13 लोगों की मौत हो जाती है और लगातार देखिए आप किस तरह से तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, कमिश्नर हो, और जायजा लिया जा रहा है मौके का कि आखिर क्या हुई, ये घटना कैसे घटी। कई सवाल हैं जो परिवार के लोग हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुलुंड में भी ऐसी घटना हुई थी, तब भी कहा गया था जांच करेंगे, इसमें भी कहा जा रहा है जांच करेंगे, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए ये दुर्घटना बहुत बड़ी है, इसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से मैंने अभी फोन पर चर्चा की हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भी सभी विभाग को, जो संबंधित विभाग है, उनको सूचना निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसी घटना बार बार ना हो। इसलिए जो भी ऑडिट करना है, इलेक्ट्रिक ऑडिट, फायर ऑडिट, अभी ऑक्सीजन की दुर्घटना हो रही है उसका भी ऑडिट, और ऐसी ये तो दुर्घटना ही है, एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी तरह वो जो ऑक्सीजन वार्ड था उसमें तुरंत आग लग गई और इसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना। सर राज्य कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलता, कहीं इस तरह की घटना हो जाती है, क्या लोगों की जान की कोई परवाह नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, सरकार गंभीर है, सरकार जिनको जो मृत हुए है उनके परिवार को भी 5 लाख रुपए की मदद करेगी। सर मदद से सर, लेकिन लेकिन जो अभी जो यहाँ पर अस्पताल में बाकी पेशेंट है उनको शिफ्ट करना, उनकी जान बचाना, इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखिए तो साफ तौर पर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी और हर बार जब इस तरह की घटना होती है तो ये कहा जाता है कि हम मदद दे रहे हैं और उसके बाद एक के बाद ऐसी घटना होते ही जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन कितना तैयार है और क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि मुलुंड में भी ऐसी घटना घटी, नासिक में भी हमने देखा किस तरह से कोरोना के मरीज जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। आपदा है और इस आपदा में अगर तैयारी नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा पर्सन सुभाषीष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।